नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करेंगे 3 फेज 24 स्लॉट अल्टरनेटर के जो आर्मेचर होता है उसके रिवाइंडिंग किस प्रकार से होती है। और दोस्तों वाइंडिंग के साथ साथ मैं यहाँ पे इसके कनेक्शन भी बताऊँगा आपको लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा 24 स्लॉट का स्टेटर है, मैं दोनों ही चीज़ें बना दिया हूँ यहाँ पे। ये इसके सेट है, इसको बाद में समझेंगे मैं, अब इसको आप इस पे फोकस मत रखिए, इस पे फोकस दीजिए आप। तो हम उसकी वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे मैं 24 स्लॉट की बता रहा हूँ आप लोगों को। 36 स्लॉट की चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना आप, ठीक है। 24 स्लॉट का ज़्यादा चलता है इसलिए मैं यहाँ पे 24 स्लॉट का ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये 10-12 kVA तक लगभग 24 स्लॉट का ही आता है, 15 kVA तक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक 24 स्लॉट का ही देखा है। और बाकी जो बड़े अल्टरनेटर आते हैं उनके अंदर 36 स्लॉट और फिर उससे आगे स्लॉट में आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 24 स्लॉट का ले रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितने तो सेट डलते हैं और किस प्रकार से इसकी वाइंडिंग होती है, कितनी पिच रखी जाती है और कौन से कनेक्शन होते हैं। लास्ट में कनेक्शन भी दिखाऊंगा आप लोगों को और हमारा न्यूट्रल वायर कहाँ से आता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा तीनों पेज के अलावा न्यूट्रल वायर आता है वो कहाँ से आता है, वो हमको कहाँ से लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर। यहाँ पे वाइंडिंग करने के लिए 3 कलर का यूज करूँगा, RYB, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके अंदर कितने सेट डलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हम 12 सेट डलेंगे, ठीक है। ये 24 स्लॉट है तो हम इसके अंदर 12 सेट डलेंगे, ठीक है। और इसकी पिच कितनी रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये टोटल 24 स्लॉट है, 24 के अंदर हम 4 का भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 24 के अंदर 4 का भाग देंगे तो बराबर हमारे 6 जाएंगे, 6 × 24, ठीक है दोस्तों। तो इसकी पिच हम 1 से 6 रखेंगे सभी कोयलों की, ठीक है। तो हम इसको सिंगल लेयर में वाइंडिंग करेंगे। अगर आप लोगों को डबल में करना है तो आप पिच तो यही रहेगी हमारी, लेकिन यहाँ पे जो कोयलों की संख्या 24 हो जाएगी, और अगर हम सिंगल लेयर कर रहे हैं तो 12 रहेगी, ठीक है दोस्तों। डबल लेयर में डबल कोयले, एक से एक स्लॉट के अंदर डबल कोयले आएंगे, इसलिए हम दो कोयलों का सेट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंगल कोयलों के 12 सेट बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से वाइंडिंग करना, ठीक है। तो आप कोई से स्लॉट से वाइंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये इसका इनर सिर आ जाएगा पहली कोयल का, ठीक है। और वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, देखो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1 से 6 की पिच रखेंगे, 4 स्लॉट हम बीच में स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ और इसका आउटर सिरा है, इसका आउटर सिरा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारी पहली कोयल डल जाती है, ठीक है। ये इसका इनर सिरा है, ये आउटर सिरा है। अब हम नेक्स्ट कोयल लेंगे, तो नेक्स्ट के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 स्लॉट स्किप कर देंगे, फिर अगले स्लॉट से स्टार्ट करेंगे कोयल, यानी कि दूसरा सेट। इसका इनर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है दोस्तों। इसका आउटर, फिर 1 स्लॉट छोड़ेंगे दोस्तों, देखिए, और फिर इससे आगे वाली सेट डालेंगे। इसका इनर वायर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 में, ठीक है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखिए दोस्तों इधर पेकोती आ जाएगी हमारी सारी कोयले, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इन तीनों को आप ऊपर रख सकते हैं और जो बाद में कोयले आएंगे उनके बाद में आप डाल सकते हैं, या फिर आपके ऊपर है वो चेन वाइंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 में इसका आउट। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक छूट जाएगा दोस्तों, और यहाँ से हम सेट डालेंगे। हमारा 11वें नंबर का सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 में इसका आउट। फिर 1 स्लॉट ऑटोमेटिक छूट जाएगा जो हमने 2nd नंबर पे डाला था शुरुआत में, फिर ये रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 में इसका ये आउटर सिरा। तो इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग होती है दोस्तों हमारे 24 स्लॉट मिक्सर की, ठीक है। इस प्रकार से कोयले डाली जाती है, एक छोड़ के एक चलना है।
तो हमारे टोटल 12 सेट हो जाते हैं, 12 सेट के हमारे 24 सिरे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उनको अब कनेक्शन देना है, तो उनको कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे मैंने 12 सेट बना रखे हैं, 12 सेट के 12 सिरे तो अंदर हो जाते हैं और 12 सिरे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये अंदर वाले आउटर है और इधर वाले इनर है, ठीक है दोस्तों, ये इनर है, ये इनर सिरे हैं सारे। तो अब इनको कनेक्शन किस प्रकार से देना है, तो दोस्तों कनेक्शन देने के लिए सबसे पहले सिंपली आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये 6 सिरे हमको पकड़ लेने हैं, इनको आप लोगों को कनेक्शन नहीं देना है, इनको छोड़ देना है। फिर छोड़ने के बाद में 3 एक तरफ कर लेना, 3 एक तरफ कर लेना है यहाँ से बीच में से, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से कनेक्शन देना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 1 2 3 नंबर का सेट है वहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से 1 से 4 गिनेंगे हम, 1 2 3 4, यानी कि इनर वाला तो हम छोड़ देंगे, ये 6 लीड के अंदर आता है तो इनको छोड़ देंगे, और इसका आउटर से आउटर मिला देंगे, 1 2 3 4 इसका आउटर से आउटर मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका ये इनर सिरा है यहाँ पे, तो इसको भी अगले वाले से 4 से इनर मिला देंगे, 1 2 3 4, तो देखिए 1 से 4 में मिला दिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ जाता है हमारा। फिर यहाँ से इसके आउटर को 1 से 4 में आउटर से मिला देना है, 1 2 3 4, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये इनर सिरा यहाँ पे आ जाता है, फिर इसको भी 1 से 4 गिनना को, ठीक है, लास्ट में, तब आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, 1 से 4, ठीक है। ये A1 और ये A2, सेम इसी प्रकार आपको दूसरे सेट से करना है। तो अभी मैंने ये लिया था, तो इससे शुरुआत करेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो इसके आउट इसका इनर यहाँ पे निकाल लेता हूँ, फिर इस 1 से 4 मिला देंगे आउटर से आउटर में, 1 2 3 4, 1 से 4 में। फिर उसके बाद में इसका ये इनर रहता है, इसको 1 से 4 मिला देंगे, 1 2 3 4, 1 से 4 में इनर के साथ में, ये देखिए। फिर इसके आउटर को 1 से 4 के आउटर मिला देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये इनर सिरा हमारा आ जाता है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये भी 1 से 4 में कंटिन्यूटी बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारा लास्ट पेज रहता है दोस्तों, लास्ट पेज को हम देखिए तीसरे नंबर का, अब इसको भी 1 से 4 में मिला देते हैं, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, देखिए दोस्तों एक एक सिरा बचा हुआ है, इसका इनर इसके इनर से, ठीक है। फिर इसका आउटर 1 से 4 के आउटर में, 1 2 3 4, यानी कि अंदर 3 जॉइंट होने चाहिए, चौथा हमारा बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी इनर सिरा हो जाता है, तो ये भी 1 से 4 बोलना चाहिए, ये भी इनर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन करना है आप लोगों को। अभी 6 वायर निकले हुए हमारे, इनको हम कनेक्शन किस प्रकार देंगे, तो देखिए दोस्तों जो हमारा आर्मेचर होता है वो स्टार पे ही चलता है, तो आप देख लीजिए कि उसके अंदर कनेक्शन पैरेलल है या फिर सीरीज में है, या आप लोगों को रोटर को खोलने से पहले चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इनको स्टार देना है, ठीक है, स्टार में कनेक्शन होता है आर्मेचर का, तो इसको स्टार में देने के लिए ये हमारा 1 ले लेना है, इसको छोड़ देना है, फिर ये ले लेना है, फिर इसको छोड़ देना है, ये ले लेना है, ठीक है दोस्तों, ये ले लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया, फिर ये ले लिया, ठीक है। एक स्किप करके 1 लेना है आप लोगों को, ठीक है, उनको स्टार देना है। तो 1 ये हमारा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, इन तीनों को आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। इन तीनों को शॉर्ट करने के बाद में हमारे 3 सिरे रहते हैं, इन 3 सिरों को हम बाहर निकाल देंगे स्लिप रिंग के द्वारा, और जो हमारे तीनों शॉर्ट हुए हैं ये स्टार के अंदर, ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम न्यूट्रल वाले स्लिप रिंग पे लगा देंगे, न्यूट्रल वाले पे, ठीक है, जो हमारे लास्ट में रहते हैं उस पे लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं दोस्तों हमारे आर्मेचर के, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।